मुळात ज्यांना आम्ही इन्सिडन्साची चौकशी केली त्यांना मगाडीसदा त्या वेटर जो इन्सिडन्स झाला त्याच्यामध्ये आणि त्या टुरिस्टाच्या मध्ये फक्त ओव्हरऑल बात झगडी झाली कित्याक तरी कितीतरी बारीक सारीक इन्सिडन्साच्या उपरांत आणि त्यांनी भायर वचून बाकीच्यांक मारपाक बट टुरिस्टांनी बी ताका पयलीं गुणो काडून ताजेर मारलो आणि त्याच्या उपरांत त्यांनी बाकीच्यांक आफोवन तेजेर चाकवान वार केलो त्या ती दोशी सायडींतल्यान आसा म्हणजे त्या टुरिस्टांनी तेजेर गुणो मारलो पण हेणी सुद्दां पुलीस कंप्लेन करपाची गरज आशिल्ली आणि त्या मॅनेजरांनी बी इंटरव्हीन करून टुरिस्टाकूय भायर धाडपाची गरज नासली किंवा टुरिस्टाक पयलींच गुणो मारतना हाडून पुलिशेन दिवपाची गरज आशिल्ली. पूण सर तुमी म्हणलात आणि फर्स्ट गुणो मारलो म्हणल्यार सो पूण ते मागीर भायर वचून तेंच्यांनी असो स्टेटमेंट केलो की गोवा इज नॉट सेफ म्हणून हांवें म्हटलें म्हणून ताजी डिटेल इन्क्वायरी हांवें केली आनी डिटेल इन्क्वायरी करून आमी तेंच्याय कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी परत त्या खातीर व्हिडियो तेंकां घालपाक लायलो त्या खातीर सांगलां की गोंयांत येवपी टुरिस्ट हांच्यानूय बी कायदो आपल्या हातांत घेवचो प्रकार करचो न्ही. दे शूड इन्फॉर्म द पुलीस, दे शूड डायल द 100 ओके एन्ड दे शूड कॉल द पुलीस. तांचेर जर कोण हे पळय गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावचें न्ही म्हणून तर आमच्या परीत पुराय आमी प्रयत्न करीत आसा की अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जाले काय तेजी रोखडीच दखल घेऊन आमी ॲक्ट जाता. ऑफकोर्स ताकाच लागून सांगता किंवा ओल्ड गोवाचो इन्सिडंट जो झालो तितूंत कंप्लिटली टुरिस्टाची चूक आसा. त्या टुरिस्टान टायम तो गुगलाचेर कितें आसा ह्या पेक्षा म्हणजे तेंच्या वेबसायटीचेर कितें आसा आनी थंयसरले रुल्स कितें आसा. थंयसर जर नवना चालू आसा थंयसर जर पाचा उपरांत एलाव करिना आसत इट इज अ चर्च सेंटिमेंट म्हणटा तशें जाल्यार पाचा उपरांत थंयसर तेंच्यांनी रूल फॉलो करपाची गरज आसा. म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की स्टेटींत जे टुरिजम येता त्या सगळ्यांनी स्टेटीचो कायदो फॉलो करपाची गरज आसा. म्हाजें परत म्हणणें आसा की लोकांनी खंयच्याच बाबतींत तकलेन भंय घेवन टुरिस्टांनी तरी बसचो न्ही आणि खंयच्याच बाबतींत म्हणजे कोणीच कसल्याच बाबतींत इंटरफियरन्स जो आसा पळय न्ही हो पुलिशेन खपोवन घेतलो वयचो ना. आणि कोणायकूच जर इंटरफियरन्स केल्लो दिसता आसत सामान्य मनशा कडल्यान लोकल पॉलिटिक्सा कडल्यान जाल्यार तेंच्यांनी दे शूड इन्फॉर्म फॉर द लोकांनी बी किंवा बाकीच्या कोणी किंवा सगळ्यांनी टुरिजम रिलेटेड इंडस्ट्री टुरिस्ट DGP आणि हेडक्वॉर्टर्साक तरी इन्फॉर्म करचे. अदरवायज दे शूड इन्फॉर्म टू द CMO किंवा दे शूड इन्फॉर्म टू द CM आमी लोकल इंटरफियरन्स कसल्याच पद्दतीचो पुलिशेन वो करून घेतलो वयचो ना आणि लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ही स्ट्रिक्टली फॉलो केली वयतली. म्हणून म्हटलं हांवें येवच्या पयलीं सांगलां हांवें द टुरिजम म्हणजे आतापर्यंत 1200 हॉटेल रजिस्टर्ड असली म्हणजे 4000 पेक्षा चड हॉटेल इल्लिगल चलताली त्या ती इल्लिगेलिटी बी खपून घेतली वयची ना. लिगेलिटी शूड बी मस्ट त्या खातीर तेच्यांनी लिगली तुमचो धंदो करात आणि लिगली धंदो करता आसत जाल्यार ताका पुराय प्रोटेक्शन दिवपा खातीर पुलीस समर्थ आसा. आणि त्या खातीरूच हांवें म्हटलां की तुमकां इनकेस कोणायकू कंप्लेन करपाचें आसा दे शूड डायरेक्टली इन्फॉर्म टू द DGP हेड ऑफीस अदरवायज टू द CMO ऑफीस. मायकल लोबोन जर आसत न्ही तेणी डायरेक्ट कंप्लेन दिवची DGP कडेन कोणाक तो अरेस्ट करपाची तयारी आहा म्हाजी थंय स्टेटमेंट करून उपयोग ना तिणी रायटिंगान कंप्लेन दिवची अदरवायज दी शूड ही शूड इन्फॉर्म टू मी एटलिस्ट हो मनीस कोण आयलो म्हणून अरेस्ट करपाची तयारी आहा. बेश्टेंच म्हणजे नांव बदनाम करपा खातीर कितें करचें न्ही कोणी जर आसत नांवां सहीत दिवची कंप्लेन आमी अरेस्ट करपाची तयारी आसा. सरळ म्हणणें फायर लागलेलो जो आसा ताचे कडेन अरेस्ट केला बाकीचे कडेन सगळी कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट हे सेन्सिटिव्हली हे इशू जे आहात लक्ष घेऊन पळयत आसा. ना आत्ताच्या घडीत तरी कंट्रोल आसा. आज कल का जो इन्सिडंट टुरिस्ट के बारे में एक ने वायरल व्हिडिओ जो वायरल किया था उसी के ऊपर ने रिव्ह्यू मीटिंग लिया और जो इन्सिडंट हुआ था उसके ऊपर 307 FIR तो पहले ही नोंद हो चुकी थी उसको 307 के अंडर उनको अरेस्ट किए और उनके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट है. जिस पुलिस डिपार्टमेंट में जिसकी गलती थी उसके लिए पूरी इंक्वायरी करने के लिए मैंने DGP को IGP को कहा है और उसको सस्पेंड किया जाएगा. इस तरह के इंसिडेंट हैंस फोर्थ ऑल्सो किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हम टॉलरेट नहीं करेंगे. लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो गोवा में टूरिस्ट आते हैं उन लोगों ने भी गोवा के रूल्स और लॉज फॉलो करना चाहिए. दूसरा इंसिडेंट जो ओल्ड गोवा में हुआ वहाँ कम्प्लीटली जो टूरिस्ट की गलती थी
पाँच बजे के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, तो उन्होंने रूल फॉलो करना जरूरी है। इस तरह के इंसिडेंट्स जो टूरिस्ट में बार बार होते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टर ऑफ द टूरिज्म, सेक्रेटरी टूरिज्म इंक्लूडिंग द लेबर कमिश्नर आज यहाँ रिव्यू मीटिंग में बुलाए थे। इसलिए जो इलीगल होटल्स पहले चलाते थे, 1200 होटल ही रजिस्टर्ड थे, पहली बार उन्होंने 6000 तक हम होटल रजिस्टर्ड कर पाए। उन लोगों ने अभी लेबर लॉस के अंतर्गत उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन और लेबर रूल्स के हिसाब से लेबर में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। हम उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल कर देंगे, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी कर देंगे। ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन का भी जो कोई लेबर के लिए यहाँ पे आता है उसके लिए ऑनलाइन यानी लेबर वेरिफिकेशन पुलिस सर्टिफिकेट होना अवेलेबल है। वो भी सिस्टम हम गोवा में अवेलेबल कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि गोवा में जो आए उसको लेबर हो, इसके लिए उसकी लेबर वेरिफिकेशन होना जरूरी है, वो हम अवेलेबल कर रहे हैं। क्राइम कम करने के लिए इस तरह के स्टेप्स हम उठा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लीगल बिजनेस करने के लिए जो कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उन्होंने डायरेक्टली पुलिस से कंप्लेंट दी, अदरवाइज CMO को कंप्लेंट दे सकते हैं। गोवा में डे बाय डे टूरिज्म बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आना प्रीफर करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटे मोटे वीडियो से गोवा की इमेज डिस्टर्ब न हो जाए, इसलिए हम तुरंत एक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए जो टूरिस्ट रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो होटल में रहने वाले मैनेजर से लेके वेटर तक, चाहे वो टैक्सी वाला हो या चाहे वो लोकल हो, टूरिस्ट से यानी मुझे लगता है जब पेश आते हैं कोई है तो जो कानून आपके हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं, दे शुड इन्फॉर्म द पुलिस इफ एनी इंसिडेंट्स हैपन। ऑफकोर्स उस मैनेजर की भी गलती थी, उसने वो डायरेक्टली मैनेजर ने पुलिस पे इन्फॉर्म करना चाहिए, हमारे पुलिस उसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट इंसिडेंट्स पे ही पुलिस को इन्फॉर्म करते तो इंसिडेंट्स यहाँ तक नहीं जाता है। इसलिए ऑल द स्टेक होल्डर शुड बी द सेंसिटाइज और पुलिस डिपार्टमेंट सबको सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, अवेयरनेस के लिए सारे आज ही हमने रिव्यू मैंने लिया है, सो दैट दे विल इन्फॉर्म टू द ऑल द स्टेक होल्डर्स। इसलिए तो मैंने उसकी इंक्वायरी की है और उसके लिए उसको सस्पेंशन भी किया। तेरी सेक्शन चुकीचा लायला है, 324 लायला है, 3307 लावपाक लायला है। थोड़े दिन जो इंटेंसली जो कुछ लोग इंटेंसली कर रहे हैं, मेरे उसको गोवा का नाम बदनाम न करे। गोवा में अतिथि देवो भव इसी लाइन पे टूरिस्ट को ट्रीट किया जाता है। अभी सभी स्टेक होल्डर्स और उसको यानी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, इसीलिए हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। जी हाँ, इंक्वायरी करके जो कोई जिसकी गलती थी पुलिस डिपार्टमेंट में वो सस्पेंड हो जाएगा।